हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप करेंगे थोड़ा लैसन नंबर 9, वहम भरम। ठीक है जी, जो वहम भरम चैप्टर है, ये दसदा है कि पिंडा वाले जो लोग हैं वो अज भी जो वहम भरम बहुत ज़्यादा करते हैं। छोटी छोटी गलों में वो इन चीज़ों का विचार करते हैं कि ये काम नहीं हुआ तो इदा हो जाएगा, अगर ये काम असी नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, इस तरह जो वहम भरम है वो आप इस लैसन पढ़ांगे। अज हैरी दे घर काफ़ी चहल पहल सी। अज उसके चाचे का विआह सी, सब पासे खुशियां नच रही सन। हैरी भी फुलिया नहीं सी समारे, वह भी सोहने सोहने कपड़े पा के जंज नाल जाण दी तैयारी विच सी। जदों उसके चाचे के सिर ते सेहरा बनन लगे तो पता नहीं किसने निछ मारी मार दिती। हैरी दे दादी जी ने निछ मारन वाले नूं काफ़ी बुरा भला कहा, क्योंकि आप कहने ना कि जो कि जाना हो कोई अगर छिक मार दिंदा है तो वह बदशगनी हुंदी है, जिहड़े काम वास्ते चले वह काम नहीं होना। तो अखीर भी सारयां दा मूंह मिठा करवाया गया तो मुंडे दे सिर ते सेहरा बन दिता गया। गुरुद्वारे मत्था टिकाउण लई मुंडे ने हले घर दीआं दहलीजां तों पैर बाहर ही रख्या सी कि कुत्ते ने कन्न छिड़क दित्ते। यानी कि जिवें कुत्ता कई बार कुछ मच्छर मक्खी या फिर कोई होर कीड़ा मकौड़ा वो कन्नों उपर बैठ जाता तो वह झाड़न लग जाता है। दादी जी ने उदों भी मूँह बुरा जिहा कर लिया क्योंकि वह वहमण सी बहुत ज़्यादा। तो हैरी इन्हां सब गल्लां दा ध्यान नाल वेख रहा सी। ज्यों ही मुंडा अगे वध्या तां इक बिल्ली रस्ता कट गई। फिर की सी, दादी जी मत्था फड़ के बैठ गए तो उन्होंने मुताबक अच्छ कुशगन तो कुशगन हो ही जा रहे सन, क्योंकि उस वहमी ज़्यादा सी इसलिए सोच रहे सन कि अज तो बहुत ही ज़्यादा कुशगन हो गए हैं तो बहुत माड़ा दिन चढ़िया है। अखीर मुंडे नूं गुरुद्वारे मत्था टिका के बरात कुड़ी वालियां दे राह पई। रस्ते भी जांदिया हैरी ने अपने पापा जी पासों इन्हां वहमां दा कारण पुछिया तो हैरी दे पापा पहलां तां कुछ झिंपे यानी कि चुप हो गए, तो परंतु जल्दी ही वह इन्हां बारे दसन लगे। वो दस रहे सन कि साडा पेंडू समाज इन्हां वहमां भरमां विच बहुत ज़्यादा फसया होया है तो उन्हां वास्ते इन्हां विचों निकलना भी बहुत औखा है। भावें अज इस 21वीं सदी विच असी जा रहे हाँ, साइंस ने साडे जीवन नूं इन्ना सुखाला कर दिता है, फिर भी असी इन्हां वहमां भरमां तों छुटकारा नहीं पा सके। साडे पेंडू लोग हर काम विच पहलां शगना बारे विचार करदे हन। जे काम रास आ जाए तो कहते हैं कि जरूर कोई भला पुरश मिले होएगा, मतलब कि जोड़ा काम कोई हो जाए तो फिर असं सोचते हैं भी किसी चंगे व्यक्ति के असी सुबह दर्शन किए हो। अगर जे कोई काम ना पूरा हो सोचते हैं कि अज असी किसी माड़े बंदे के जड़े हैं दर्शन किए होने या माड़ा बंदा साढ़े मत्थे लग्या होएगा। तो हैरी ने पापा अजिहे होर वहमां भरमां बारे पूछा क्योंकि उस अजिहां गल्लां सुन के आनंद आ रहा सी, क्योंकि बच्चे जड़े हैं एवें दीआं गल्लां बड़ियां ध्यान नाल सुनते हैं, इंट्रस्ट नाल सुनते हैं। तो छोटा बच्चा दंदिया कढ़न वेले जे उपरली दंदी पहलां कढ लवे तो माड़ा समझा जाता है। ठीक है जी, कहने आपां पहलां बच्चे नूं नीचे थले वालियां दंदियां कढ़निया चाहीदियां ना कि उपर वालियां। जदों बच्चों दीआं दंदियां उखड़दियां हन तां रात वेले चंद नूं अते दिन वेले सूरज वल मूँह करके इंज आखदे हन, सूरज पुराना दंद लै जा नवां दंद दे जा। साढ़े पिंड दे लोग तां अगे तवीतां विच काफ़ी विश्वास करदे हन ते जदों कोई बीमार हो जांदा है तां सब तों पहलां इन्हां अगे तवीतां बारे जां बाबियां कोलों फंडा कराउण बारे सोचा जांदा है। डाक्टर नूं विखाउण दी गल तां बाद विच आउंदी है, क्योंकि इह पिंडां विच आम देखा जांदा है अगर किसी नूं कुछ भी छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाती है, कोई चुप पै जाती है, कुछ भी हो जाता तो की है किसी बाबियां वल ही जाते हैं। जो कोई नवा घर बनवाया जाता तो नज़र लगन तो डर दे मकान के बनेरे उत्ते टुटिया हुआ छित्र या काली तोड़ी लटका दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों नज़र लगन तो डर के मत्थे ते काला टिक्का लगा दिता जाता है या गले में काला जिहा पत्थर मड़ा आके पा दिता जाता है। इस तरह की बहुत सारे जो वहम भरम हैं वह पिंडा किए जाते हैं। आसमान बिजली कड़कती हुई तो मामे भांजे वाकर दिता जाता है। पापा ने कहा जिस तरह होर वहम भरम साडी जिंदगी नाल जुड़े हुए हैं उस तरह दिना वारा नूं दे वहम भी जिहड़े हैं लैके वह गिने जाते हैं। सोमवार को सब तो चंगा दिन समझा जाता है,
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੁੱਧ ਸਨਿਚਰ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਐਤ ਵਾਰ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਏ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੰਗਣ ਆਏ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਪਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹਨ? ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈਰੀ ਬੇਟਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਹੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।